कुछ लोगों को आपने काला धागा पहनते हुए तो देखा ही होगा, कुछ लोग काले धागे को गले में तो कुछ लोग अपने हाथ और कुछ लोग पैर में भी पहनते हैं। लेकिन आपने यह कभी सोचा है कि आखिर लोग काले धागे को क्यों पहनते हैं? शायद आपने यह कभी नहीं सोचा होगा। वैसे अगर देखा जाए तो काला रंग नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिसके कारण किसी भी शुभ कार्य में काला धागा या काले रंग के कपड़े का प्रयोग करना वर्जित है। लेकिन हम आपको यह बता दें कि काले रंग का धागा यदि आप अपने शरीर पर धारण करते हैं तो इसकी सबसे बड़ी ख्याति यह है कि यह किसी भी प्रकार की ऊर्जा को अपने शरीर से बाहर नहीं निकलने देती है। जी हाँ, ज्योतिष की माने तो काले रंग का धागा बांधने के पीछे काफ़ी राज होते हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से भी काले रंग के धागे को बांधना काफ़ी फायदेमंद है। तंत्र विज्ञान के अनुसार काला धागा को बुरी शक्तियों से रक्षा करने वाला माना गया है। काला धागा आपको बुरी नज़रों के साथ ही साथ यह आपकी किस्मत भी बदल सकती है। लोगों की माने तो उनका यह मानना है कि काले रंग की चीज़ों पर बुरी शक्तियों का प्रबल रहता है। लेकिन हम आपको बता दें कि यदि काले रंग के धागे को मंत्रों से बांधा जाए तो यह बुरी नज़र के साथ ही साथ बुरी ताकतों से भी बचाता है। तंत्र विद्या के अनुसार यदि आप रेशमी या सूती काले रंग के धागे को शनिवार या रविवार की शाम को भैरव मंदिर में जाकर इस धागे में छोटी छोटी 9 गांठ लगाकर भैरव जी का सिंदूर लगाएं और इस धागे को घर में मेन गेट पर बांधें तो इससे आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर रहेगी और बुरी शक्तियों से यह आपके घर की सुरक्षा भी करेगी। शरीर के किस अंग पर काला धागा बांधना चाहिए ये भी जान लें। यदि काले रंग का धागा भैरव बाबा या हनुमान मंदिर से लाकर रविवार के दिन उसे अपने सीधे यानी दाहिने हाथ में पहना जाए तो इससे आपकी किस्मत और प्रबल हो सकती है और आपके रुके हुए काम भी पूरे होने लगते हैं। यदि काले रंग का धागा भैरव मंदिर से सिंदूर लगाकर रविवार के दिन उसे उल्टे यानी बाएँ हाथों में पहना जाए तो यह बुरी ताकतों से आपकी रक्षा करता है। यदि यही बच्चे को पहनाया जाए तो इससे बच्चे की बुरी नज़रों से रक्षा होती है। यदि शनिवार के दिन हनुमान जी के पैर का सिंदूर लगाकर काले धागे को गले में धारण करें तो इससे बीमारियों से रक्षा होती है। जो बच्चे ज़्यादा बीमार पड़ते हैं उनके लिए यह अचूक उपाय माना जाता है।